सभी पार्टियां, सभी संगठन, सभी लोग इस ईवीएम की गंदगी को साफ करने का आंदोलन लड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि पहले दिल्ली में पैदल मार्च होगा, फिर पूरे देश में पैदल मार्च होगा। मोदी को तुम हरा नहीं सकोगे, वो आदमी ईवीएम से जीत के आएगा और कहानी खत्म हो जानी है, यही चुनाव होना है। ये जो प्रेस वार्ता आज रखी गई है, इसका एक उद्देश्य है कि हमने इससे पीछे 10 तारीख को, यानी अब से 10 दिन पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने उसमें कहा था कि आंदोलन हम ईवीएम के खिलाफ शुरू करेंगे, क्योंकि ईवीएम अगर है तो देश की जनता चाहे जिसको वोट दे उसके वोट का कोई मतलब नहीं है, उसका वोट लूटकर बीजेपी के खाते में ही जाना है। और 2024 का चुनाव जीतकर अगर ईवीएम से हुआ तो निश्चित रूप से मोदी जीतेगा, और मोदी जीत के अगर आ गया उसके बाद में बचना इस देश में कुछ नहीं। इसी सिलसिले में हमने पिछले 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ईवीएम का आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं उसकी हमने घोषणा की थी और लोगों से यह निवेदन किया था कि जो भी साथी, जो भी संगठन, जो भी राजनीतिक पार्टियां इस ईवीएम की लड़ाई में, क्योंकि यह लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है, यह शुरू हो चुकी है और अब यह ईवीएम की समाप्ति के साथ ही आंदोलन समाप्त होगा, और नहीं तो हम समाप्त हो जाए हमें इस बात की परवाह नहीं है, इसको लेकर हमने आंदोलन शुरू किया। तो जो भी साथी, जो भी संगठन, जो भी पार्टियां हमारा साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर इस ईवीएम की लड़ाई में देना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में ईवीएम से चुनाव हो, जो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, हमने उन सब साथियों से कहा था कि मेरा जो नंबर मैंने दिया था 7840868666, 7840868666, यानी 78 40 86 86 66, ये नंबर जो मैंने दिया था, मैंने ये नंबर इसलिए दिया था कि जो भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं अपना नाम और पूरा पता, अपना संगठन का नाम, अपनी पार्टी का नाम, उसमें जो उनके पास जिम्मेदारी है, पद है, वो सब लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी श्रृंखला में आगे है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 तारीख के बाद से पूरे देश भर से बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स इस लड़ाई में शामिल होने के लिए लोगों का आ रहा है लगातार मेरे फोन पर। हालांकि मैंने उन्हें फोन करने के लिए नहीं कहा था, लोगों को मैंने कहा था कि अपना नाम और पूरा पता, संगठन और पार्टी का नाम इस पर भेजें व्हाट्सएप पर लिखकर, लेकिन अफसोस कि लोग कई बार सुनते नहीं है ढंग से या समझते नहीं है। लगातार मुझे फोन किए जा रहे हैं, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक मुझे फोन करते हैं, इससे दिक्कत हो रही है। फोन जो कर रहे हैं इससे मेरा समय बर्बाद हो रहा है, जो काम में कुछ और करना चाहिए उस काम को मैं फोन सुनने में लगाता, और बहुत से लोगों का फोन सुना भी नहीं जाता। और जो लोग मैसेज भी भेज रहे हैं जुड़ने के लिए, उसमें एक बड़ी दो दिक्कत हो रही है। कुछ तो लोग कह रहे हैं हम आपके साथ में, ना अपना नाम भेज रहे हैं, ना अपना पता लिखकर भेज रहे हैं, ना किसी संगठन जिससे जुड़े, कुछ नहीं भेज रहे, केवल कोई कर देता हाय, कोई कह देता हम आपके साथ में, कोई कह देता ईवीएम हटाओ। लेकिन जो बात मैंने कही थी उसे लोग नहीं भेज रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे उन लोगों को दोबारा से मैसेज भेजना पड़ा कि भाई आप अपना नाम और पता भेजिए। तो जो अब स्थिति है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि जितना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है उसका आप अंदाजा इस तरह से लगाएं कि देश में जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नीचे केरल, नीचे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मतलब ऐसा कोई प्रदेश नहीं, और नॉर्थ ईस्ट में असम से, त्रिपुरा से और मणिपुर से, इतनी जगह से लोग हमारे साथ हमारे इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। ये जो मैंने आपको स्टेट बताए हैं, इनके सबके नंबर मेरे पास, उनके पते सारे मेरे पास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त लोगों का सहयोग है। और एक और बात बताऊं कि इसमें कई छोटी पार्टियां, कई सामाजिक संगठन, कई लोग जो प्रोफेसर भी हैं, कई लोग वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोग इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं, जो सबसे जबरदस्त इस आंदोलन की बात अब नजर आ रही है। इसीलिए हमने सबसे बात करने के बाद में एक
मोर्चा जिसके तहत यह आंदोलन अब लड़ा जाएगा, उस मोर्चे का हमने नाम घोषित कर रहे हैं आज आपके सामने। यह मोर्चा होगा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। इस मोर्चे के, इस बैनर के तले सभी पार्टियां, सभी संगठन, सभी लोग इस ईवीएम की गंदगी को साफ करने का आंदोलन लड़ेंगे। और इस जो संगठन है, ये जो बना है, हम इस आंदोलन की जो फॉर्मली शुरुआत करने जा रहे हैं जनवरी के पहले हफ्ते से दिल्ली में मीटिंग करके इस आंदोलन की बिल्कुल तरीके से औपचारिक रूप से शुरुआत होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले दिल्ली में पैदल मार्च होगा, फिर पूरे देश में पैदल मार्च होगा और हर जगह लोगों तक ये बात पहुंचे उसके लिए पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। इस तरह से आंदोलन हमारा चलना है साथियों। तो मैंने इसीलिए आज आप साथियों को बुलाया है कि ईवीएम के विषय में जो आंदोलन है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और इंडिया गठबंधन की उस मीटिंग में ईवीएम के विषय में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। बड़े अफसोस की बात है कि जो पार्टियां सत्ता में, जिन्हें आना है, जो सत्ता में आने की बात कर रही हैं, जो राजनीति में हैं, ऑलरेडी जो सत्ता में पहले भी रह चुकी हैं, उन पार्टियों को इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि ईवीएम अगर रहेगी तो तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, मैं तब भी कह रहा था फिर कह रहा हूं, 2700 पार्टियां भी इकट्ठी हो जाए और पूरा देश भी वोट दे देगा, तब भी प्रधानमंत्री मोदी को तुम हरा नहीं सकोगे। वो आदमी ईवीएम से जीत के आएगा और कहानी खत्म हो जानी है, यही चुनाव होना है। और मेरी बात भी हुई थी, मैंने बात भी कही थी माननीय दिग्विजय सिंह जी से, मैंने नॉर्थ हेवन में जब मिले थे मैंने उनसे यही बात कही थी कि कांग्रेस को लीड करना चाहिए। अफसोस, ना कांग्रेस खुद सामने आ रही है और ना ही इंडिया गठबंधन में उसने यह बात रखी और लीड करने की बात हुई है। इससे बड़ा मतलब देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, पॉलिटिकल पार्टियों की तो छोड़िए आप। और क्या ये इंडिया गठबंधन के लोग इस उम्मीद में है कि देश की जनता आंदोलन करेगी तब वो उसके साथ में लगेंगे? मतलब उल्टी गंगा बहन की बात है। आंदोलन करना चाहिए शुरुआत उन्हें, लेकिन वो उम्मीद शायद कर रहे हैं कि देश की जनता आंदोलन करे तब वो आंदोलन करेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम पूरी ताकत से आंदोलन करेंगे, ईवीएम की गंदगी को साफ करेंगे, इसीलिए हम लगातार सक्रिय हैं। और इसमें जो जनवरी के पहले हफ्ते में हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको एक डेट बता देता हूं, किस डेट को जितने भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं, जितने गठबंधन पूरे देश से जुड़े हैं, हम उन सभी साथियों को बुला रहे हैं और उस दिन उनकी मीटिंग होकर फाइनल किस किस तरह की सारी चीजें रहेंगी वो आंदोलन की शुरू होगी। 6 जनवरी को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की दिल्ली में जितने भी संगठन जुड़ चुके हैं उन संगठनों की एक मीटिंग बाकायदा होगी और आंदोलन शुरुआत होगी। हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और जो हमारा संगठन है मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन, ये संगठन और ये पार्टी हमारी वो भी इस ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का एक घटक रहेंगे, उसका एक हिस्सा रहेंगे।